हेलो दोस्तों, लोगों से सुना है कि पेन ड्राइव को सेफ रिमूव करना चाहिए। आपने भी सुना होगा कि पेन ड्राइव को सेफ रिमूव करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेन ड्राइव को सेफ रिमूव करना चाहिए या नहीं। इसके लिए पॉलिसीज चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज होती है सेफ रिमूव के बारे में। तो वो चेक करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हार्डवेयर सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में पॉलिसीज रहते हैं। पॉलिसीज डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है जो की है क्विक रिमूवल। क्विक रिमूवल यानी हम जब चाहे तब पेन ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं। अगर कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटर परफॉर्मेंस यूज़ करोगे तो ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते पेन ड्राइव को। सेफ रिमूव का आइकॉन यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यों सेफ रिमूव का आइकॉन रहता है वो भी हम जानते हैं। अगर हम पेन ड्राइव का कोई भी वीडियो या कोई भी कुछ भी फाइल अगर ओपन रहेगी होगा, क्लोज किए बिना रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए हम चेक करने के लिए कि अगर कोई बैकग्राउंड में चल रहा है या नहीं, सेफ रिमूव यूज़ करते हैं श्योर होने के लिए। चलिए प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। जो ये मैंने गाना किया है, ये गाना अगर ऐसा मिनिमाइज किया हो करने के बाद से रिमूव करोगे तो सेफ रिमूव नहीं बंद करेगा। देखिए पास करके भी अगर मिनिमाइज करने के बाद सेफ रिमूव कर सकते हैं तो भी। एजेक्ट, बहुत सारे लोग एजेक्ट यूज करते हैं, एजेक्ट यूज करने से भी नहीं है। इसीलिए अगर हम ये जो फाइल खुली है पेन ड्राइव से उसको कैंसिल कर सेफ रिमूव या एजेक्ट यूज़ करते हैं तो सेफ रिमूव हो जाएगा। यानी कि सिस्टम देखा अपने, सेफ रिमूव हो गया। आपने देखा डिफ़ॉल्ट क्विक रिमूवल पर रहता है। क्विक रिमूवल पर रहने से आप कभी भी पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं बिना सेफ रिमूव का आइकॉन यूज़ किए। तो सेफ रिमूव करना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सेफ रिमूव करने में हमारी सेफ्टी है। हमको पता नहीं रहता है कि कौन सा फाइल ओपन होए कंप्यूटर में, हमको नहीं पता चलता है। इसीलिए अगर आपने सभी फाइल्स को क्लोज किया है तो आप ऐसे ही सेफ रिमूव का आइकॉन यूज़ किए बिना ही आप पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। लेकिन सेफ रिमूव कीजिए। सेफ रिमूव करने से आप श्योर भी हो सकते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड में फाइल खुली नहीं है।